तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जैंट शर्ट कटिंग करने का तरीका बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखकर आप किसी भी साइज की शर्ट कटिंग कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शर्ट के लिए कपड़ा कितना लगता है। तो अगर छोटी अर्ज वाला कपड़ा है तो 2 मीटर से लेकर 2.25 मीटर तक कपड़ा लगता है, और ज़्यादा हैवी साइज है तो आप 2.5 मीटर कपड़ा भी ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको छोटी अर्ज के लिए बता दिया, और जो बड़ी अर्ज वाला कपड़ा होता है उस कपड़े में तकरीबन 1.5 मीटर में आपकी शर्ट बन जाती है, तो आप 1.5 मीटर ले सकते हैं। तो हमने डबल फोल्ड कर दिया है। तो ये देखिए कपड़े की सीधी साइड अंदर है और कपड़े की उल्टी साइड बाहर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसको चौड़ाई में डबल कर दिया है। तो ये वाली साइड जो है किनारे वाली साइड है, और ये जो आगे ये साइड है ये फोल्ड यानी बंद वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ से देखना होगा आपको, किनारे बिल्कुल बराबर कर लेने हैं इस तरीके से। उसके बाद हम शर्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई इसकी 31 इंच तैयार है, तो हमको 32 इंच का निशान लगा देना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने 32 इंच का निशान लगा दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हम इस किनारे के बराबर से नापेंगे। तो यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच का, आप चाहे बाद में किनारे को निकाल भी सकते हैं। और 1-2 इंच का यहाँ लगाएंगे इस तरीके से, और 1 बीच सेंटर में लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच का। तो ये हमने किस लिए लगाया वो भी समझ लीजिए, जो हम काज वाली पट्टी और बटन वाली जो पट्टी बनाते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन। तो देखिए हमने पट्टी का निशान सीधा कर देना है इस तरीके से। उसके बाद हम हालर के लिए निशान लगाएंगे, चौड़ाई का निशान लगाएंगे पहले पट्टी का 2 इंच छोड़कर। तो जितना भी चेस्ट है उसको आप 14 से डिवाइड करेंगे, 14वां भाग रखेंगे, और जितना भी बनेगा उतना निशान लगा देंगे। तो मैंने 3 इंच का निशान लगा दिया है चौड़ाई में। अब गहराई में हमको 2 सूत बढ़ाकर लगाना है। तो जितना चौड़ाई में लगाया है उतना हमने गहराई में 2 सूत बढ़ाकर लगाना है इस तरीके से। एक बॉक्स बना देना है इस तरीके से दोस्तों। इसको हम क्रॉस मार्क लगाएंगे यहाँ पर। अब आपको जिसका राउंड शेप बनाना है उसके अंदर बनाना है। ये हमने क्रॉस का निशान लगाया है इसे थोड़ा सा अंदर के लिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे इसकी हम, ज़्यादा अंदर के लिए भी नहीं ले जाना है। यहाँ से करीब 1/2 इंच हटाकर राउंड शेप बनाना है। निशान और लगा लेते हैं तकरीबन 2.25 इंच में 2 सूत कम। तो यहाँ से हम कंधी डाउन करेंगे उसके लिए लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से हम, ये देखिए हमने 1/2 इंच का निशान लगा दिया है। यहाँ से एक निशान लगाएंगे तो इसका तीरा है 18 इंच तैयार। तो हमने 18 इंच में 1 इंच और जोड़ लेना है, 1 इंच और ऐड कर लेना है, और उसका हाफ करेंगे। तो 18 तीरे में जब हमने 1 इंच जोड़ा तो हो गया 19 इंच, 19 इंच का जब हमने हाफ किया तो होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का एक निशान लगा देना है इस तरीके से, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ सिलाई में जाएगा तो इसलिए हमने 1 इंच ऐड किया है। दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई में जाता है तो 1 इंच कम हो जाता है। उसके बाद हालर वाले को यहाँ से मिलाएंगे, क्रॉस करेंगे इस तरीके से। ये अब बात कर लेते हैं आर्मोल की मुड्ढे की। तो देखिए हम इन चीज़ें को फिर ऊपर से रखेंगे बिल्कुल बराबर से। तो हमने आर्मोल का मुड्ढे का निशान लगा देना है। अगर आपका 28 इंच चेस्ट है तो आपको आर्मोल का निशान 7.5 इंच का लगाना है, और अगर आपका 30 इंच चेस्ट है तो आपको आर्मोल का निशान 8 इंच का लगाना है। अगर 32 इंच चेस्ट है तो आपको आर्मोल का निशान 8.5 का लगाना है, और अगर 34 इंच चेस्ट है तो भी आपको आर्मोल मुड्ढे का निशान 8.5 इंच का लगाना है, और अगर 36 इंच चेस्ट है तो आपको 9 इंच का निशान लगाना है, और अगर 38 इंच चेस्ट है तो भी आपको 9 इंच का निशान लगाना है, और अगर 40 या 42 इंच चेस्ट है तो आपको 9.5 का निशान लगाना है, अगर 44 इंच चेस्ट है तो आपको 10 इंच का मुड्ढे का निशान लगाना है, और अगर 46 से लेकर 48 इंच तक चेस्ट है तो आपको मुड्ढे का निशान 10.5 इंच का लगाना है, और अगर 50 या 52 इंच चेस्ट है तो आप यहाँ से यहाँ तक मुड्ढे का निशान करीब 11 इंच का लगा सकते हैं। तो ये हमने आर्मोल के बारे में बता दिया। अगर आप फिर से नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को बैक करके दे सकते हैं। आप देखिए कमर का निशान लगाते हैं। तो नॉर्मल सेट के लिए हम 16 इंच का निशान लगाएंगे। इंची टेप को यहीं रखा रहने देंगे। जिसकी आप सेट बना रहे हैं अगर उसका कद छोटा है, लंबाई कम है, तो आप 15 इंच का निशान भी लगा सकते हैं, और अगर लंबाई ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो आप कमर का निशान 17 इंच का भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने आर्मोल का निशान लगा दिया 9 इंच, कमर का निशान लगा दिया 16 इंच, और ये देखिए लंबाई का निशान हमने पहले लगा दिया था। तो इंची टेप को ऐसे रखा रहने देना है। तो 31 इंच लंबाई तैयार है, तो 32 इंच का ये निशान हो गया। उसके बाद एक निशान और लगाएंगे। फिर तो हमने ये वाला निशान जो लगाया, यहाँ से हमको 2 इंच ऊपर के लिए एक निशान लगाना है। ये भी आपको आगे बताते हैं हम क्यों लगा रहे हैं। ये देखिए तो यहाँ से हम इसका राउंड शेप बनाएंगे। तो अब इन मार्क को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने जो तीरे का जो निशान लगाया था शोल्डर का, वो हमने 9.5 इंच का लगाया है पट्टी छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम चेस्ट, अब हम आर्म होल वाले निशान पर आते हैं पट्टी छोड़कर। तो वहाँ पर हमने 9.5 लगाया था, तो यहाँ पर हम 9 इंच भी लगा सकते हैं, 9.25 भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ के हिसाब से जितना तीरे का निशान लगा है उसके हिसाब से आप 0.5 या 1/2 इंच कम करके निशान लगा सकते हैं, और ये निशान लगाना ज़रूरी होता है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से ऊपर वाले को इस तरीके से मिलाएंगे नीचे वाले निशान के साथ में। ये देखिए इसको मिला दिया है। अब बात कर लेते हैं चेस्ट की, चेस्ट पर कितना रखना है आपको। तो देखिए जो 2 इंच का पट्टी हमने पट्टी छोड़ी, इसको छोड़कर यहाँ से इंची टेप रखेंगे इस तरीके से,
तो देखिए जितना भी चेस्ट है, अगर आप फिटिंग साइड पहनना चाहते हैं तो आप चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, चेस्ट का चौथाई भाग करेंगे, उसमें 2 इंच और ऐड कर देंगे और उतना ही निशान लगा देंगे। और थोड़ी सी लूज पहनना चाहते हैं तो आप चेस्ट को 4 से डिवाइड करें, चौथाई भाग करें, यहाँ से यहाँ तक आप उस पर 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगर जैसे अगर 40 इंच चेस्ट है तो 40 का आपने चौथाई भाग किया तो होता है 10 इंच, और जब 10 इंच में आपने 2 इंच और जोड़ा तो हो गया 12 इंच, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 12 इंच का निशान लगा देना है। तो ये फिटिंग सेट के लिए हो गया। और थोड़ी सी लूज है तो आप चौथाई भाग करके उस पर 2.5 इंच जोड़ सकते हैं, 12.5 का भी लगा सकते हैं। तो आपका जो भी साइज है तो आप इस तरीके से निशान लगाएं। तो हमने जितना यहाँ पर निशान लगाया है तो यहाँ पर हम देखिए पट्टी छोड़कर 0.5 इंच कम करके निशान लगाएंगे। तो अगर वहाँ पर 12.5 है तो यहाँ पर 12 का लगा देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो कमर का नाप लेकर भी यहाँ पर चौथाई भाग करके 2 या 2.5 की लूजिंग दे सकते हैं, जिस तरीके से आप शर्ट पहनना चाहते हैं, टाइट या लूज। अब देखिए अब यहाँ पर आते हैं तो जितना हमने चेस्ट पर रखा है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे, ऊपर वाला जो निशान लगाया है पट्टी छोड़कर यहाँ से यहाँ तक 12.5। तो देखिए हमने चेस्ट पर 12.5 रखा है तो यहाँ पर भी 12.5 रखा है। तो अब देखिए यहाँ से हम एक राउंड शेप बनाएंगे नीचे वाले निशान से। देखिए सेम फंटी लेंगे, चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाएंगे इस तरीके से। अभी देखिए थोड़ा इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके जैसे कि देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो निशान लगाया हमने यहाँ से, और कमर वाले से मिलाएंगे यहाँ से इस तरीके। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हम राउंड शेप बनाएंगे, ये देख। तो देखिए दोस्तों ये हमने जो यहाँ से यहाँ तक जो हार्नर का निशान लगाया है गहराई में, उस निशान से करीब थोड़ा ऊपर करीब 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर को करके इस तरीके से कट करेंगे, ये जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देखिए। उसके बाद इस निशान से कट करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये हार्नर कटिंग हो गई। अब हम इस तरीके से नीचे तक कटिंग करते हुए ले जाएंगे इस तरीके से। तो जैसा कि देख सकते हैं देखिए फ्रंट साइड कट चुके हैं इसके, इस तरीके से देख सकते हैं आप। उसके बाद ये जो हमने 2 इंच का पट्टी का निशान लगाया था यहाँ से हम कट लगाएंगे ताकि हमें पता रहे पट्टी यहाँ से पट्टी मोड़ना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब हम आपको बैक साइड कटिंग करना बता दें, तो बैक साइड किस तरीके से कपड़ा मोड़ेंगे ये समझ। तो देखिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने चेस्ट पर कितना रखा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपने अगर 12.5 इंच रखा है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए ये बड़ी अर्ज वाला कपड़ा है तो यहीं बराबर से इसकी बैक भी आ रही है, फ्रंट साइड बराबर से निकल चुके हैं, हम इसको इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए कपड़े की ये खुली वाली साइड है और ये बंद वाली साइड है, तो हम यहाँ से बैक निकालेंगे। तो बैक के लिए हमको कितना इंच का कपड़ा, देखिए फ्रंट पर हमने 12.5 इंच रखा था तो यहाँ पर हमको 12 इंच रखना है। तो जितना भी हमने सामने पर निशान लगाना है उसके हिसाब से 0.5 इंच कम करके रखना होता है यहाँ पर। और हम यहाँ भी एक 12 इंच का निशान लगाएंगे, जितना हमने चेस्ट पर रखा था 12.5, तो यहाँ पर 0.5 इंच कम करके लगाएंगे 12 इंच इस तरीके, और एक बीच में भी लगा लेंगे इस तरीके से आप चाहें। ये देख हम स्ट्रेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। तो देखिए अब हम फ्रंट को इस तरीके से रखेंगे तो ये हम फ्रंट की सामने वाली साइड जो हमने ये निशान लगाया यहाँ बराबर, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बराबर से रखना है, क्योंकि हम तीरा अलग से लगाएंगे तो हम 1 इंच बैक डाउन करेंगे, 1 इंच छोटी काटेंगे यहाँ के हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ से भी समझ लीजिए ये बैक वाला जो कपड़ा है तो जहाँ से हमने कंधी डाउन की यहाँ से 1 इंच कम है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से है कपड़ा ये और यहाँ से बिल्कुल सीधा है। तो आप एक कट भी लगा लेंगे, पहले ही कट लगा देंगे सेंटर के लिए। तीरे का निशान लगाएंगे तो हमने फ्रंट पर 9.5 इंच का निशान लगाया था तीरे का, क्योंकि 18 इंच तीरा है तो हमने 9.5 का निशान लगाना है। तो यहाँ भी हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो यहाँ के हिसाब से आप यहाँ पर करीब 0.25 इंच ज़्यादा रख सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए तिरछा रखेंगे और इसका एक राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से। हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है निशान पर इस तरीके से। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 0.5 इंच कम करके रखा है कमर पर। अगर किसी का पेट ज़्यादा है तो आप बिल्कुल बराबर रखें साइड को, यहाँ से यहाँ तक सीधा कटिंग करेंगे, यहाँ पर आपको कम नहीं करना, जितना यहाँ रखेंगे और उतना ही यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल भी कम नहीं करना, आपको बिल्कुल बराबर रखना, सीधी कटिंग करना है यहाँ से। तो शर्ट का पॉकेट जो फ्रंट पॉकेट होता है वो किस साइज़ के लिए कितना लगाते हैं, कितना नीचे के लिए लगाते हैं, कितना साइड से हटा कर लगाते हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई रखनी है, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं इसी में आपको समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे नॉर्मल साइज़ के लिए जो हम पॉकेट लगाते हैं तो ऊपर से 8.5 या 9 इंच का निशान लगाते हैं। और आपको अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो आप ये देखिए आपने जो आर्महोल का मुड्ढे का निशान लगाया है तो यहीं से आप पॉकेट लगाएंगे और पट्टी से आप 2 इंच हटाकर पॉकेट लगाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल साइज़ के लिए 5 इंच चौड़ी पॉकेट लगाई जाती है और 5.5 इंच
ही लगाई जाती है। तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मुड्डे का निशान हो गया जितना भी है, यहाँ से हम देखिए 2 इंच हटा लेते हैं इस तरीके से। ज़्यादा हैवी साइज की शर्ट है तो आप 2.25 इंच भी हटा सकते हैं। और ये देखिए हमने 5 इंच का निशान लगा दिया है, और ये देखिए हमने 5.5। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं आप। तो अब आइए हमको बाजू कटिंग करना बताते हैं, तीरा यानी शोल्डर कटिंग करना बताते हैं। तो देखिए बाजू भी दोनों एक साथ निकल कर आएंगे इसके। ये किनारे वाली साइड है, ये देखिए। अब इसको हमको इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके मोड़ेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अब हमने ये कपड़ा कितना फोल्ड किया है आप समझ लीजिए। तो देखिए हमने पहले कपड़े की चौड़ाई को डबल किया, ये देखिए इस तरीके, जैसा कि देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर हमने दोबारा से डबल किया, तो ये कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया, दोनों बाजू उसके एक साथ आएंगे। हमें एक निशान लगाना है यहाँ से यहाँ तक करीब 3 इंच का। तो ये आप चेस्ट का 12वां भाग रख सकते हैं, जितना भी चेस्ट है उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये बाजू कफ वाले हैं, इस पर 2 इंच के कफ लगेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर बाजू की लंबाई लेंथ 25 इंच है, तो हमें इंची टेप यहाँ से बराबर रखना है और 1 इंच माइनस कर देना है। तो 1 इंच माइनस कर देना है, यानी 1 इंच कम करके निशान लगाना है। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों लगाना है कम करके। तो देखिए इसके बाजू की लंबाई 25 इंच है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 24 इंच का निशान लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो निशान है इनको हम कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे मोहरी कितनी रखनी है और ये आरमोल कितना रखना है। तो देखिए इस तरीके से किनारा छोड़ करके देखिए बराबर से इस तरीके से हाथ मारेंगे और यहाँ भी इस तरीके से मारेंगे। तो ये देखिए कॉपी हो चुके हैं इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से कॉपी हो गई। अब इनको आप इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ भी आप स्ट्रेट कर लेंगे, ये देखिए। उसके बाद आर्म होल यानी मुड्डे के लिए हमने कपड़ा कितना रखना है वो आप समझ लीजिए। तो जितना हमने चेस्ट पर निशान लगाया है, जो हमने सामने कट किए हैं, फ्रंट साइड जो हमने फ्रंट वाला हिस्सा कट किया है, उस पर हमने जितना ही मुड्डे का निशान लगाया है, उसके हिसाब से यहाँ पर हमको 1/2 इंच ज़्यादा लगाना है, ठीक है। आप चाहें तो 1/4 इंच भी बढ़ाकर लगा सकते हैं, 1 इंच से थोड़ा कम भी रख सकते हैं। तो देखिए ये हमारी कलाई होती है, तो यहाँ तक हमारे बाजू की लंबाई आती है इस तरीके से। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, फिट में नापेंगे जितनी भी कलाई है, उस पर आपको 4 इंच और ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की कलाई 8 इंच है, तो आपने 8 इंच में 4 इंच और ऐड किया तो हो गया 12 इंच, फिर आप 12 का हाफ करेंगे तो हो गया 6 इंच। तो इस तरीके से आप 6 इंच रखेंगे, तो जितनी भी कलाई है आप उसको फिट में नापेंगे और उस पर 4 इंच ऐड कर देंगे और उसका हाफ निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो बाजू पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, किस साइज़ के लिए कितना रखें, कितनी पूरी रखें, सिंगल प्लेट्स के लिए कितना रखें, डबल प्लेट्स के लिए कितना रखें, और कफ कितने चौड़े रखते हैं, कफ की लंबाई कितनी रखनी, तो A to Z हमने उस वीडियो में अलग से बता रखा है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए अब इसके बाद हम एक राउंड शेप बनाएंगे इस तरीके से, ये देखिए इसे पंटी लगाएंगे इस तरीके से। तो हमने आर्म होल का निशान लगाया यहाँ से, और ये देखिए जो हमने मोहरी पर निशान लगाया यहाँ से। तो अगर फिटिंग बाजू तो आप इस तरीके से सीधी फट्टी लगा सकते हैं, और फिटिंग बाजू नहीं है तो आप सीधी वाली फट्टी लगा कर कट कर सकते हैं। आप किनारा छोड़कर ही बाजू कटिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से कट करेंगे, अब इसी निशान से हम कट करते हुए ले जाएंगे। इस पर 2 इंच के कफ लगेंगे, जैसा कि तो हमने 1 इंच बाजू कम करके कटिंग किया, तो जैसे कि बाजू की लंबाई 25 इंच है तो हमने 24 इंच कट किया है, तो 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ चला जाएगा कफ लगाते टाइम, और 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ चला जाएगा मुड्ढे की सिलाई में। तो ये 1 इंच और कम हो जाएगी, 23 इंच रह जाएगी, पर जब 2 इंच के कफ लगेंगे तो ये 25 इंच कंप्लीट तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ भी हम एक सेंटर कट लगाएंगे इस तरीके से, और ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ेंगे 1/2 इंच अंदर के लिए, करीब 1/4 इंच अंदर के लिए इस तरीके से, और यहाँ लाकर शेप मिलाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं जो छोटे पार्ट कटे हैं ये फ्रंट में जाएंगे सामने में, और ये बड़े वाले पार्ट हैं ये बैक में जाएंगे। तो हम इस तरीके से कट लगाते हैं बैक वाले पार्ट में, ताकि पहचान रहे आपको, धोखा ना हो आपसे। तो ये आपको ध्यान रहेगा बैक में जाएंगे। उसके बाद नोटिस करने वाली चीज़ें ये भी समझ लीजिए। तो देखिए नीचे वाला हिस्सा ये बैक वाला है, और ये ऊपर वाला फ्रंट वाला। तो हम इस तरीके से मोहरी को रखेंगे इस तरीके से। जो हम चाक पट्टी बनाते हैं वो कितने इंच पर कटिंग करनी है, तो जितनी भी मोहरी है उसका पहले आप हाफ निशान लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर 6 इंच है तो आप 3 इंच का निशान लगाएंगे, और आपको अगर सीधा निशान नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से ऐसे करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये सेंटर आ चुका है इसका, और ऊपर वाले 2 पार्ट पकड़ेंगे, नीचे वाले छोड़ देंगे। ये देखें इस तरीके से इसको कट कर देंगे यहाँ से 5 इंच पर हम, और थोड़ा कट ये लगाएंगे करीब 2 सूत अंदर के लिए। तो दोस्तों ये वाली साइड बैक में जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से मोड़ देंगे आप, और यहाँ पर आप चार पट्टी बनाएंगे साइड में। तो आइए आप शोल्डर यानी तीरा कटिंग करना बताते हैं। तो ये कपड़े की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, और ये भी ध्यान रखना है ये किनारे वाली साइड इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ये किनारा है इस साइड का। तो आप देखिए जितना भी तीरा है उसका उस पर आप 1 इंच और ऐड करेंगे, तो उसका 18 इंच तीरा है, तो हमने 1 इंच और ऐड किया तो हो गया 19। तो हमको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से देखिए 19 इंच का निशान लगा देना है, जैसे ये देखिए। और इस कपड़े को उठाकर हम उस 19 वाले निशान पर, ये हमने 19 का निशान लगाया, यहाँ पर मोड़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद किनारे को कट कर देंगे, किनारा निकाल देंगे इसका इस तरीके। तो अब एक निशान लगाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक 4.5, और एक निशान लगाएंगे 4.5। इसको स्ट्रेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे इस तरीके से,
ये देखें। तो उसके बाद चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो जितना हमने फ्रंट पर चौड़ाई का निशान लगाया था, हॉलर के लिए चौड़ाई रखी थी, उतना ही यहाँ रख देना है। ये देखें, हमने यहाँ से यहाँ तक जो हॉलर की चौड़ाई का निशान लगाया था, उतना ही निशान हमको यहाँ पर लगाना है। तो देखें, हमने उतना निशान लगा दिया है। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से, ये देखें। अब हम एक निशान लगाएंगे इस वाले निशान से ऊपर के लिए, डेढ़ इंच का, डेढ़ इंच से कम ना हो, चाहे एक सूट ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। अब इस डेढ़ इंच वाले को यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके से, इसका राउंड शेप बना देंगे इस तरीके से, ये देखें। उसके बाद इस शोल्डर को, तीरे को कट कर लेंगे आप। ये देखें, यहाँ से कट लगाएंगे दोस्तों। अभी वीडियो छोड़ कर ना जाए, अभी वीडियो में थोड़ा कुछ बाकी है। ये तीरा इसका कट चुका है दोस्तों। आपका पास अगर कपड़ा कम है तो आप एक ही तीरा डालें, और कपड़ा ज़्यादा है, अगर आपके पास भरपूर कपड़ा है, तो इस तीरे को रखकर आप दूसरा तीरा भी कट कर सकते हैं। पर शर्त यह है, पहले आप सारा खर्चा ले लें, कॉलर कप पॉकेट वगैरह चाक पट्टी वगैरह लेने के बाद आप देखेंगे तीरे के लिए कपड़ा बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो आप चाहें जोड़ लगा कर भी नीचे वाला अंदर वाला तीरा लगा सकते हैं, और ये वाला तीरा शोल्डर बाहर से पड़ेगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।